बार पहली बार हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि सारे बच्चे जाने, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे रखा है। तो आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आप लोग इंस्टा पे तो होंगे ही होंगे, फेसबुक पे कुछ कुछ लोग होंगे, ट्विटर को तो यूज ही नहीं करना लेकिन आपका व्हाट्सअप तो होगा ही, तो प्लीज ये लिंक आपके पूरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आप ट्यूशन में भी जाते ही होंगे, सबको दो, सबको बताओ, कम्पीट करो राइट। इसमें वो जेई जैसा नहीं है कि जेई में नंबर मेरा नहीं है, एक नंबर कमाया तो कॉलेज अलग मिलेगी, ऐसा नहीं है, है ना। इसमें जो ऑप्शन ये है कि अगर आप अच्छे सिलेक्ट हो गए तो पूरा खर्चा टीआईएफआर करेगा आगे आगे, जैसे बताया था ओमी बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर है, वहाँ पे पूरा खर्चा करेंगे, आपको एक बताएंगे जापान में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, यूएई में, अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम है। आज मैं सबने कह सकता हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, चार कॉपी की सजा आप कैसे साइंटिस्ट कौन बनने वाला है, इंजीनियर भी, साइंटिस्ट बन, इंजीनियर भी साइंटिस्ट होता है नहीं होता है, ओके। और डॉक्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, ठीक है। चलो तो कम बैक टू द मेन पॉइंट, एनएससी एग्जाम कौन लेता है, आईएपीटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। तो ये एग्जाम वो क्यों लेते हैं, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ब्रेन फ्रॉम द स्टेट्स, स्टेट्स में से कहाँ जाएंगे, पूरे इंडियन लेवल पे आएंगे, इंडिया में से 4 लोग सिर्फ सिलेक्ट होंगे, 35 सिलेक्ट करेंगे, उसमें से ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि एमसीक्यू एग्जाम होगी, थियोरिटिकल एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम, सिर्फ 4 लोग जाएंगे जिसका पूरा खर्चा वो होमी बाबा सेंटर उठाएगा। तो मैथ्स की जापान में है, फिजिक्स भी शायद जापान में है, एस्ट्रोनॉमी जर्मनी में है शायद, स्विट्जरलैंड में केमिस्ट्री है, नेक्स्ट ईयर की 23 की बात है ये, और टफ तो होगी एग्जाम, समझ सकते हो ना, और ऑलमोस्ट लेवल 12th का ही होगा, 11th 12th कंबाइन कुछ होता है, और जूनियर साइंस की एग्जाम जो होती है जो लोग 9th में है उसमें 10th का सिलेबस होता है। तो आपको अगर बेस्ट फ्रेंड बनना है तो हमने इस बार इसलिए ट्राई किया, एक तो ऑनलाइन आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई एक तो शुरू करो, एनरोल हो गए, एनरोल होने के बाद हम क्या प्लान कर रहे हैं, वापस हम ऐसी ट्रेनिंग रखेंगे ऐसे एक्सपर्ट से, जो लोगों ने फॉर्म भर लिया तो आपको कोचिंग करने के लिए तो खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन उसमें आपको सपोर्ट ये कि हम वीकली एक बार मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रोज मिलेंगे ना, तो बाकी का मेहनत आपको करना है। उसमें अगर सिलेक्ट हो गए तो भी हम, जब तक आप भूमि बाबा में जाओगे नहीं ट्रेनिंग के लिए तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात आपको और 10 लोगों को बतानी है, 1% जिसको बताएगा 10 को, और 10 को बोलो और 10 को, सो इट्स अ चेन सिस्टम। क्योंकि इस बार मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि गुजरात में से 100% एक बच्चा इंटरनेशनल ओलंपियाड में नंबर लाए, क्लियर, ठीक है। ऐसे सपने देखो पड़े और उसके ऊपर काम करो, फाइन। तो हमने पुरानी बुक्स आपको लेके जानी है राइट, केमिस्ट्री और मैथ्स की, आज अरे हाँ मैथ्स और केमिस्ट्री की दोनों की, यू विल गेट इट। तो 2018 तक के पेपर उसमें है, हमने और एक गूगल ड्राइव पे लिंक बनाया है जिसमें अभी के लास्ट ईयर का पेपर भी उसमें है, मतलब है ना, तो गूगल लिंक भी लेके जाना, और प्लस ये हर कॉपी पुरानी पुरानी बुक है तो वो भी लेके जाना,
ठीक है, तो आपको कभी भी काम आएगी, फाइन। चलो ऑल द बेस्ट, नाउ वी आर रनिंग केमिस्ट्री सेशन, राइट। आई ये नहीं बोले बताइए।
बेसिकली
जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है अपनी अपनी स्कूल से एक लेवल अपार्ट में उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। अब कैसे इनका ट्रेनिंग होता है वो सारा अपन अभी देखेंगे। बेसिकली आज का अपना डिस्कशन एरिया है केमिस्ट्री ओलंपियाड, ठीक है। तो अभी जो साइंस ओलंपियाड है उसमें ब्रॉडली तीन सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड अदर टू आर एस्ट्रोनॉमी एंड जूनियर साइंस, ठीक है। होमी बाबा सेंटर जो है इन सारे ओलंपियाड को कंडक्ट करवाता है और एक तरीके से चांस देता है स्टूडेंट्स को ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। अब जो आज अपना एरिया ऑफ डिस्कशन है दैट इज केमिस्ट्री ओलंपियाड, उस पे आते हैं। तो नाउ लुक हियर एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री ओलंपियाड में बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, राइट। अब नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो है इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय HBCSE, जैसे हमने कहा ना HBCSE ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। तो जो फर्स्ट स्टेज है ना, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजिक्स टीचर्स, IAPT। नाम सुना है? सुना होगा, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक एसोसिएशन ग्रुप होता है जिसमें जो आपका स्टेज 1 जो है ना किसी भी ओलंपियाड का, लेट इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, उसका स्टेज 1 हमेशा IAPT ऑर्गेनाइज करता है। उसके पेपर्स से लेके स्टूडेंट्स का अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज बाय IAPT। क्लियर? ओके। अब MSE जो है वो है क्या? बेसिकली जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है वो आपका स्टेज 1 रहेगा बच्चों को क्लियर करने के लिए। लगभग अपने इंडिया से 20,000 से 60,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। अब पार्टिसिपेशन के दो तरीके रहेंगे आपके। सबसे पहले डायरेक्ट आप IAPT के वेबसाइट पर चले जाइए, www.iapt.org.in, उस पर आप जाइए, रजिस्टर कर लीजिए। आपके जो क्रेडेंशियल्स वो मांगते हैं जनरली आधार कार्ड एंड पासपोर्ट कॉपी का नंबर चाहिए होता है, जस्ट फिल दैट नंबर, रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन, क्लियर। बट इसमें दिक्कत क्या रहती है ना, सेल्फ रजिस्ट्रेशन में क्या रहता है दिक्कत, कि मान लो इफ एनी ऑफ दिस सिटी इन अहमदाबाद अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, कोई भी स्कूल खुद को रजिस्टर नहीं करवाता, तो अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और मान लो अहमदाबाद के किसी भी स्कूल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपका सेंटर अहमदाबाद नहीं हो सकता, कोई भी गुजरात का कोई भी सेंटर आपको अलॉकेट कर देंगे, है ना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक हर्डल हो जाता है कि हम लोग कम्यूट कैसे करें, फिर एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, राइट। तो सेकेंड स्टेज इज वेरी ईजी। आपके नियर बाय स्कूल को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो खुद को सेंटर रजिस्टर कर ले और आप उसी स्कूल में एग्जाम दे दें, ठीक है। स्कूल को अपना ID पासवर्ड मिल जाता है, जस्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। ये दो प्रोसेस होते हैं, क्लियर टू एवरीवन। सेकंड वन इज वेरी इजी बिकॉज नियर बाय स्कूल ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर टू एवरीवन। कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? लगभग 20,000 से 60,000, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो NSE का जो सिलेबस रहेगा वो आपका क्लास 11 और क्लास 12 के टॉपिक्स रहेंगे केमिस्ट्री के, जो हम NCERT पढ़ते हैं ना, क्लास 11 एंड क्लास 12 NCERT। लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अ बिट हायर एज पर योर बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम्स हम देते हैं ना उसे एक लेवल अहेड जो है आपका उसका लेवल रहेगा, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा रहता है? कंप्लीट MCQs, ठीक है। 80 क्वेश्चंस आएंगे, 240 मार्क्स का पेपर रहेगा, प्लस 3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, माइनस 1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, क्लियर। OMR में फिल करना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टेज 1 का इस तरीके से रहता है। अब स्टेज 1 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं 20,000 से 60,000 जैसे मैंने बताया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया से भी बहुत सारे उनके लेवल्स होते हैं जो बच्चे को क्लियर करके स्टेज 2 में जाना होता है, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स बनते हैं, MIS करके एक क्राइटेरिया होता है, MAS होता है, जो फर्दर अपन जब एग्जाम देंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? अब जैसे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, जनरली ये एग्जाम नवंबर 2022 में होता है, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1 जुलाई 2020 2003 से लेकर 30 जून 2008 में बर्थडेट अगर लाए कर रहा है तो यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर योरसेल्फ, राइट। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है अप टिल 15th ऑफ सेप्टेम्बर, नवंबर 22 में आपके एग्जाम्स रहेंगे, ठीक है। एवरीवेयर जो भी स्कूल ने रजिस्टर किया होगा वो एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज, दैट इज
इंडियन नेशनल ओलंपियाड, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है ना, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 से 60,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया लगभग 300 से 500 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें सेकेंड स्टेज में, दैट इज INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसमें कैसा रहता है, जैसे मैंने बताया 300 से 500 स्टूडेंट्स आपके सिलेक्शन में रहेंगे, तो जनरली ऑल ओवर इंडिया 18 सिटीज ही सिलेक्ट करते हैं, लगभग 18 सेंटर्स ही होते हैं जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में आ भी सकता है, बट इट इज नॉट दैट मैंडेटरी कि वो अहमदाबाद में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम अगेन क्योंकि सेकेंड स्टेज है तो डेफिनेटली एक स्टेप अहेड होगा। आपका जो पेपर का सिलेबस है वो सेम एज द स्टेज वन, जो स्टेज वन का सिलेबस था सेम टू सेम आपका स्टेज टू का सिलेबस रहेगा, ठीक है। एंड जो आपका पेपर पैटर्न होगा उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन कैसे है कि स्टेज वन अपना कंप्लीट एमसीक्यू था, स्टेज टू विल बी एमसीक्यू प्लस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आपका जो एबिलिटी ऑफ राइटिंग स्किल्स है उसमें ये आपको जज करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू के साथ साथ अपन लॉन्ग आंसर्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो व्हाट आर द एबिलिटीज ऑफ राइटिंग, क्योंकि बहुत प्रेस्टीजियस ओलंपियाड है ना, टॉप स्टूडेंट्स जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड माइंड्स है उसमें ही सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें एमसीक्यू प्लस लॉन्ग आंसर रहेंगे, ठीक है। आया समझ में इसमें, कहीं कोई क्वेरीज नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया 300 से लेकर 500 स्टूडेंट्स अपने अप्रॉक्सीमेटली सिलेक्ट होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स जो है स्टेज थ्री के लिए भी जाएंगे, ठीक है। स्टेज थ्री जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वे टू स्टेज फाइव, लास्ट स्टेज। कैसे वे टू स्टेज फाइव है बेटा, स्टेज थ्री जो है आपका है ओरिएंटेशन का सिलेक्शन कैंप। बेसिकली क्या होता है ना कि ये लगभग आपका अप्रैल में और जून में ही होता है 2023, अप्रैल में और जून। बेसिकली इसमें जो आपके 300 से 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, सिलेक्शन रेशो कम होकर आपका हो जाता है लगभग 35-50 स्टूडेंट्स ही ये कैंप में सिलेक्ट हो सकते हैं। कैंप में होता क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैंप में क्या होता है ना, जितने भी अपने इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं या जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो प्रेस्टीजियस प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो आते हैं और उन बच्चों को ट्रेन करते हैं, ठीक है। वो इम्फोसाइज करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, ठीक है। उसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेशंस, और आपका उसमें कंप्लीट ऐसा नहीं होता कि थियोरिटिकल नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है ना, आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी रहेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे आपके, उसमें आपका जो भी स्किल्स रहते हैं हाउ टू सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें ये ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में रहती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर टेस्ट ये सारी चीज़ें भी आपकी रहेंगी, ठीक है। नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेशंस आपको देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे वर्कआउट होगा, वेराइटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर पार्टिसिपेटिंग केमिस्ट्री, तो जितने भी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग इसका सिलेक्शन हो जाता है 35 से 50 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट इसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में, इसको कहते हैं OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, इज इट क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 35 से 50 स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं स्टेज फोर। देखो बेटा स्टेज फोर में एज सच इसमें आपका कोई टेस्ट या आपका कोई एग्जाम नहीं है। स्टेज फोर जैसे कैसे कोई भी इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो उनका वार्म अप सेशन होता है ना, तो वैसे ही ये स्टेज थ्री वाले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना वो जैसे स्टेज फाइव में जाएंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड को अपीयर करने के लिए, तो PDT जो है ना प्री डिपार्चर कैंप उनका वार्म अप सेशन ही है एक तरीके से मान लो, ठीक है। प्रैक्टिस कि वो हम इंटरनेशनल ओलंपियाड में कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्री डिपार्चर कैंप में कैसा रहता है ना कि बच्चों को कंप्लीट एक रिग्रेस ट्रेनिंग देते हैं लगभग एक वीक की, ताकि वो इंटरनेशनल ओलंपियाड में कैसे परफॉर्म कर सके। HBCSE इसके लिए एक अच्छा प्रोविजन भी करता है कि वो इनबिल्ट लैबोरेटरीज भी डेवलप करता है ताकि बच्चों को कहीं दिक्कत ना आए, और वो लैबोरेटरीज के थ्रू ही बच्चे जितने भी तरीके के वेराइट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो भी है या उनके जो भी कुछ भी सारी चीज़ें जो भी एक्सपेरिमेंट्स में उनको परफॉर्म करनी है वो सारी विद इन द कैंप ही वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाए,
इज इट क्लियर? तो एक तरीके का वार्म अप सेशन ही है ताकि इंटरनेशनल ओलंपियाड में हम कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो जैसे मैंने बताया था प्री डिपार्चर कैंप में बच्चों का बहुत रिगरस ट्रेनिंग होता है, उनके कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ही इम्फोसाइज किया जाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे कैसे वर्कआउट करना चाहिए और अच्छा टैकल करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड में काम आती है, ठीक है? इंटरनेशनल ओलंपियाड कम एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग, योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज रहेंगे, वैरायटी ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, जो भी हमने कैंप में सीखा, इन चार स्टेजेस में सीखा, उसी का एक तरीके का स्टेप आपका टेस्ट है इंटरनेशनल ओलंपियाड में, ठीक है? आई बात समझ में? और सबसे प्राउड मैनर तो यही है कि अब 1989 से लेकर अब तक जितने भी टाइम्स ये ओलंपियाड हुआ है 2019 तक, इंडिया ने हर बार एक मेडल लाया ही है, वेदर इट कैन बी गोल्ड सिल्वर इन एस आपका ब्रॉन्ज या एक ऑनरेबल मेंशन होना चाहिए, ठीक है? तो एनी काइंड ऑफ जब से लेकर भी ओलंपियाड अपने स्टार्ट में 1989 से अब तक के इंडिया हैज ऑलवेज रिसीव्ड अ मेडल, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये स्टेजेस में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। कुछ भी सब क्लियर है? पेपर एनालिसिस, ठीक है? जैसे हम लोग अभी इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस रहेगा, यस और नो? तो बेसिकली क्लास 11th में आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस और नो? जनरली क्लास 11th का वेटेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लास 12th, ठीक है? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन से हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस कि फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 21 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? हाईएस्ट वेटेज अमंग ऑल फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस है? 21। इसमें चैप्टर वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, मैक्सिमम वेटेज इनका रहता है, ठीक है? आयोनिक इक्विलिब्रियम का आपका 4 क्वेश्चंस रहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री भी 4, मोल कंसेप्ट ऑल्सो 4 एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चंस, ठीक है? मैक्सिमम वेटेज यही रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, क्लियर? देन कम्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11th, राइट? इसमें आपका जीओसी है वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे एंड हाइड्रोकार्बन्स भी आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? देन कम्स योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्रोक्सीमेटली अगेन 13 क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें आपके केमिकल बॉन्डिंग में 6 क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये एक जनरल अप्रोक्सीमेशन है कि किस तरीके से बच्चे को टारगेट करना है केमिस्ट्री ओलंपियाड को, ताकि अकॉर्डिंगली, देखो हर बच्चा सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर सकता है ना, ये आपको भी पता है। हम अगर कहें कि हम पूरे 240 में से 240 है तो दैट इज डैम नॉट पॉसिबल, राइट? बट उनके जो एलिजिबल क्राइटेरियाज है और जो एलिजिबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम हमेशा टारगेट इस तरीके से करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ये सुनो। तो इसके लिए ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है? टू बीट द केमिस्ट्री ओलंपियाड, राइट? बी ए क्लास 11 था, सिमिलरली क्लास 12 भी दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे क्लास 12 में अभी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाइफर्केट किया गया है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज बाइफर्केशन आपका दिया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चंस, अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 क्वेश्चंस, सॉलिड स्टेट 2 एंड सॉल्यूशन अगेन 2 क्वेश्चंस, ठीक है? क्लास 12th में जो मैक्सिमम वेटेज है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाता है, ना? क्लास 11th में किसका मैक्सिमम वेटेज था? फिजिकल केमिस्ट्री का, यस। यहां पे आपका मैक्सिमम वेटेज हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहां पे रिएक्शन में क्या है, अगेन 4 क्वेश्चंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज द डेरिवेटिव 3 क्वेश्चंस, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 6 क्वेश्चंस। इस तरीके से एक ब्रॉडली चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है, so that easily you can tackle the questions, right? है ना, जो भी ओलंपियाड अपन देते हैं, अगर आप सिंगल बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो तो एनालिसिस देख लेते हो एक बार, उस तरीके से एनालिसिस किए गए। नोट डाउन कर रहे हैं बच्चे?
इंटरेस्ट होता है कि केमिस्ट्री ओलंपियाड में क्रैक करना है, हमको केमिस्ट्री ओलंपियाड देना है, तो जरूर केमिस्ट्री ओलंपियाड का जितने भी तरीके के ओलंपियाड एचपीसीएसई ऑर्गेनाइज करता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होंगे ना, यस और नो? तो व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड यहां पे दिया हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सट्रीम इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग द यंग माइंड्स एट वन रूफ, है ना. जितने भी अपनी कंट्री में से जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो इतना बड़ा प्रोसीजर क्रैक करके आए हैं एट स्टेज 5, है ना, तो वो सब टैलेंटेड माइंड्स जो है उनको एक वन रूफ के अंदर कंसिडर करके उस तरीके के पार्टिसिपेट फ्रेंडली कॉम्पिटिशन होते हैं, उस तरीके के आप हाइएस्ट लेवल जो है क्लियर कर सकते हैं. अगेन इट प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस टू बिगिन अ करियर इन साइंस और मैथ्स. जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ओलंपियाड हर बच्चा आईआईटी और मेडिकल में ही जाए, ऐसा नहीं है. रिसर्च एरिया में भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है जो बच्चे ये ओलंपियाड क्रैक कर सकते हैं, राइट. फिर दे आर नॉट नियरली कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने बताया है ना, सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं है, फ्रेंडली तरीके के एनवायरमेंट के लिए होता है जहाँ पे ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, राइट स्टूडेंट्स. अब जैसे परफॉर्मेंस की बात, मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन स्टूडेंट्स इन एनी ऑफ द ओलंपियाड, लाइक से एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूनियर साइंस, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि गोल्ड मेडल बिना अपन वापस आए हैं, है ना. चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो या एनी ऑनरेबल मेंशन हो, इंडिया हैज ऑलवेज बैग द मेडल, राइट. देन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में भी इंडियन टीम हमेशा टॉप पे ही रही है, क्लियर. ये आपका एक थोड़ा सा एनालिसिस है इंडिया एट साइंस एंड मैथमेटिकल ओलंपियाड. जैसे कि अपन देख सकते हैं फ्रॉम 1989 टू 2019 मैक्सिमम टाइम्स हमें एक मेडल तो मिला ही है, यस और नो, है ना. इफ यू व्यू मैक्सिमम टाइम्स अपने को एक मेडल तो मिला ही है, तो डेफिनेटली टैलेंट तो है, थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, यस और नो. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एट इंटरनेशनल ओलंपियाड, जैसे कि मैंने बताया था एचपीसीएसई जो है चांस देती है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को खुद को भी रिप्रेजेंट करने का और अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करने का. आप देख सकते हैं 2019 से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में इंडियन टीम, फिर अगेन बायोलॉजी ओलंपियाड में भी अपन देख सकते हैं कि इंडिया वन 3 सिल्वर मेडल्स एंड 1 ऑनरेबल मेंशन. दिस इज योर केमिस्ट्री ओलंपियाड व्हिच वाज कंडक्टेड इन पेरिस इन 2019 एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड व्हिच वाज कंडक्टेड इन दोहा कतर, राइट. इस तरीके से हर बार कहीं ना कहीं इंडिया हैज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एंड फ्लरिश्ड इन ऑल टर्म्स ऑफ मेडल्स, यस और नो. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आईसीएचओ यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी. एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी क्वेरीज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, एनी क्वेश्चन पूछना, कुछ है क्वेरीज बेटा? एग्जाम का फीस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे रजिस्टर करना चाहिए, फीस कितनी होती है इस एग्जाम की? जस्ट 200 रुपीज फॉर ऑल द 5 स्टेजेस, ठीक है. Any doubts? Yes, beta. For 9th and 10th, beta, एक ओलंपियाड होता है जूनियर साइंस ओलंपियाड, ठीक है. अभी तो अपना केमिस्ट्री ओलंपियाड का डिस्कशन था. 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए जूनियर साइंस ओलंपियाड भी होता है. केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ दैट ओलंपियाड ऑल्सो. जूनियर साइंस जैसे टर्म इटसेल्फ सजेस्ट, वो साइंस का ही ओलंपियाड है. तो इट कैटेगराइज फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसके क्लास 10th एनसीईआरटी तक का ही सिलेबस होता है. लास्ट फोटो अपन ने देखा था टीम इंडिया एंड जूनियर साइंस, है ना, दिस वन लास्ट वन, राइट. तो स्टूडेंट्स 9th एंड 10th में है, डेफिनेटली वो लोग टारगेट कर सकते हैं जूनियर साइंस को. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सेम, फर्स्ट स्टेज आईएपीटी को ही ऑर्गेनाइज करना है. डेफिनेटली यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट एंड रजिस्टर योरसेल्फ, राइट. 200 रुपीज इज द फीस.
एनी अदर डाउट्स। नो डाउट्स। आई वुड रिक्वेस्ट लोकेश सर एंड सर टू कम एंड सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज इफ यू आर हैविंग इन एनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट। कुछ भी आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड की क्वेरीज हो तो सर आपको ब्रीफ आउट करेंगे। राइट, थैंक यू ऑल। आप सब लोगों को आता है आई थिंक। अब बेटा यहाँ पे मैं केमिकल
केमिकल बॉन्डिंग पे चलता हूँ और केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा कि किस तरह की अप्रोच आपको रखनी है। सब लोगों ने अभी आप यहाँ पे सब 11th 12th क्लास वाले बैठे हो, अच्छा अभी आप आओगे 11th 12th, ठीक है आप सुन लो पहले से ही ताकि जब 11th 12th में जाओ तो जाते ही धमाका कर दो, ठीक है सर। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। अभी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अलोंग द ग्रुप मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, कॉम्प्लेक्स के बाद हम बात करेंगे कि यदि कुछ क्वेश्चंस कैसे अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल के साथ। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने देखा हेलिना की रब से पर्दा, दूसरा क्या बनेंगे तीसरा आगे नहीं पता, स्कूटर यामा लाओ एसी, क्या बोलेंगे स्कूटर यामा लाओ एसी। टाइटेनियम टीना जरा हफ रफ, क्या बोलेंगे टीना जरा हफ रफ। वेनेडियम नोबियम टेंटेलम, इसको कैसे याद करते हो वेनिका, क्या बोलेंगे वेनिता। अब लास्ट जो पीरियड है सेवेंथ पीरियड है उसके एलिमेंट्स का नाम बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उनकी हाफ लाइफ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में है, जब मिलेंगे ही नहीं तो पढ़ाई कहां से करेंगे हम। उसके बाद आता है क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इसको कैसे बोलेंगे क्रीम मुहासे वाली, कैसे बोलेंगे बेटा क्रीम मुहासे वाली। नेक्स्ट देखिए
मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेहिनियम, मन तक रे, क्या बोलेंगे? मन तक रे. नेक्स्ट आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, इसको बोलेंगे फेरोस, क्या बोलेंगे? फेरोस. कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसको क्या बोलेंगे? कोरियर, क्या बोलेंगे बेटा? कोरियर. निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, नाई ने पंडित को पीटा. नेक्स्ट है कॉपर, AgAu. ये कॉइनेज मेटल है, सब महंगी महंगी धातु है, तो इनको ऐसे प्राइस ऑर्डर में याद रख लीजिए. तांबा सबसे सस्ता, फिर चांदी और फिर सोना, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, है ना? जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछा जाता है. उसके बाद बताइए, ये वाला जरूर याद होगा आप लोगों को, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन केला. नेक्स्ट बताइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इन लेड. काशी गए शंकर प्रभु, वेरी गुड. नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, बस जो भी अलग अलग ट्रिक्स हो सकती है, अल्टीमेटम क्या है, हमें याद रखना है ना? नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब भिखारी तो नहीं है ना? नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बड़े लोग, कैसे याद रखें? नेक्स्ट बोलो भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, है ना? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो. टीपो समझते हो बेटा? टीपो मीन्स देखना, चिटिंग करना, देख देख के, है ना? वैसा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फिर कल बाहर आई आंटी. ये ठीक है, हाँ, आपसे याद रहेगा. नेक्स्ट देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको कैसे बोलते हो? है ना अगर कर, क्या बोलेंगे? है ना अगर कर जीरो रन पर. अगर कर पहले एक इंडियन बॉलर थे, मतलब है अभी, लेकिन खेलते नहीं है, है ना? आज से 10-12 साल पहले के. तो इस तरह से बेटा याद कर सकते हैं. अब देखो, यदि थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक मैजिक नंबर की ट्रिक सिखाता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे कि ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप लोगों को फर्स्ट पीरियड, मैं सबसे पहले हाइड्रोजन वाले का एग्जांपल ले रहा हूं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है. उसके बाद जो लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3. लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. सोडियम के बाद पोटेशियम, 9. पोटेशियम के बाद रुबिडियम, 11. रुबिडियम के बाद सीजियम, 55. और फ्रेंशियम, 87. अब देखिए, यहां से एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. एटॉमिक नंबर बोलेंगे 1, 3, 11, 19, 37, 55. सही है? एक लास्ट वाला ले लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में आता है अनऑक्टियम, 118. अब यहां पे देखो, यदि अपन इसके एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. यहां पे डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? कितने का डिफरेंस है? 8. यहां पे कितने का डिफरेंस है? 8. यहां पे कितने का डिफरेंस है? 18. यहां पे 32. 32. तो बस
ये इसी को बोलते हैं अपन मैजिक नंबर, और सिर्फ यदि ये नंबर अपने को याद है तो आप जो भी मुझे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर बोलोगे मैं उसकी पोजीशन आपको बता सकता हूँ कि बताइए वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। कोई भी एक एटॉमिक नंबर बोलिए आप लोग। बोलो 58 से 71 और 90 से 103 इनके अलावा बोलो अभी लाल के, उसको लास्ट में देखेंगे। 78 बेटा 78 है। अब हमें बताना है इसका क्या पीरियड और ग्रुप। यदि 78 एटॉमिक नंबर है मुझे इसका पीरियड पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इससे बड़ी वाली जो भी इनर्ट गैस का पीरियड है वही क्या होगा इसका पीरियड। अरे ये कहीं भी लाई कर रहा होगा, इसके बाद जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है इससे बड़े वाले एटॉमिक नंबर की वो जिस पीरियड में प्रेजेंट होगी वही पीरियड किसका होगा इस 78 का। तो 78 के बाद कौन सी इनर्ट गैस आ रही है 86, और 86 का पीरियड कौन सा है ये लो 1 2 3 4 5 6, तो पीरियड क्या हो गया बेटा 6th पीरियड हो गया। ग्रुप का अंदाजा और लेते हैं बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला है ग्रुप नंबर का कि जो भी नेक्स्ट इनर्ट गैस है 86 माइनस क्या कर देंगे 78, ये कितना बचा भाई 8 बचा। अब यहां पे इनर्ट गैस 86 वाली थी, सामने से देख के नहीं बताना है। बोलो 9 10 11 12, चार ऑप्शन है आपके सामने। कितने लोग बोल रहे हैं 9, कितने लोग बोल रहे हैं 10, कितने लोग बोल रहे हैं 11, कितने लोग बोल रहे हैं 12। 10 इज करेक्ट आंसर बेटा, है ना। कैसे कैलकुलेट करा सिंपल, अपनी कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं कि 86 यदि 18 है 78 कहां हो रहा होगा 10 पे। तो ये तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया है पीरियोडिक टेबल का। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाता हूं बेटा, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में क्या अप्रोच रखी जाएगी। अभी आप लोग सब 9 10th में हो, कितने लोग यहां पे 9th क्लास के और कितने लोग 10th क्लास के 11th के, आप लोग इधर 11th 12th क्यों 12th 11th ओके 12th है यहां पे 11th। सब क्वेश्चन चले यस 11th क्लास वालों के लिए क्वेश्चन है, 12th पे भी आएंगे अपन। सबसे पहले तो 11th क्लास वालों ये बताओ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 12th वालों के लिए है फिर ये क्वेश्चन, 12th वालों आप लोग पढ़ गए हो बेटा,
कौन बोल रहा है? डी है। चलो भाई एग्जिट पोल देखते हैं, ए किसका आ रहा है बेटा? ए बी सी किसका आ रहा है? और डी वैसे बी वाले में भी हाथ उठा रहा था आप लोग, ठीक है कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा बताओगे? जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है कोई भी एलिमेंट का, तो अपना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। और इसमें तो यहाँ पे तुलना तो अपन कर ही नहीं रहे किसी की, तो इसमें से किसका मान रहे हो आप कि इलेक्ट्रॉन निकालने में कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है? अरे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ सोडियम एटम है मेरे पास, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन भी कितने? देखो कई बार भूल जाते हैं बच्चे इस चीज में, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। तो भाई यदि कोई भी चार्ज नहीं है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब यदि दोनों बेटा बराबर बराबर है इसका मतलब एटम कैसा है? न्यूट्रल। मैं इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एन ए क्या बना प्लस या माइनस, यही मुझे चेक करना है। प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो फिर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल समझते हो, मतलब जो दो एटम वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन C2 B2 ये सब, तो यहां पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूं। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना है। क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अब आप इससे इधर जाओ, चाहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम करो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5। इसका भी क्या हो जाएगा? 2.5। और इसका भी क्या हो जाएगा? 2.5। अब ऐसे ही अपन पीछे आते हैं, 12 वाले का 2, 11 का 1, 10 का 1, 9 का 0.5 और 8 का 0। इधर चलिए, 16 का 17 का 1.5, 18 का 19 का और 20 का 0। अब अपने पास जितनी भी स्पीसीज है अपन इसका क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। O2 में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। O2 प्लस में कितने हैं? लिख देते हैं O2 प्लस 15। उसके बाद क्या है? O2 माइनस 18। बताइए मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर अभी तो सब आपके सामने लिखा है, किसका है बेटा? O2 प्लस। और O2 प्लस का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, मींस इसके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है सबसे? और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उतनी ही बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? तो सिर्फ एक इस नंबर वाली ट्रिक से 14 का 3, इसके अलावा कुछ भी अपने को लर्न नहीं करना। ये एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। हम पूरा वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फॉर्मूले से, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि डायरेक्ट क्वेश्चन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है,
तो हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से अप्रोच कर सकते हैं, उसमें क्या होगा बेटा अपना टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन सही होने के चांसेस क्या होंगे ज्यादा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए चेंज कर दी। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास वालों के ये समझ में आएगा। कोई इस कंपाउंड का नाम बताएगा बेटा? NSiMe का होल थ्राइस। यदि किसी को मैं चेंज कर दूं NCH3 का होल थ्राइस तो क्या बोलोगे? ये भाई ऐसा है, एक बार ट्वेल्थ क्लास वाले वापस आ रहे हैं। बेटा जब भी किसी मॉलिक्यूल का शेप आपको निकालना हो या बॉन्ड एंगल निकालना हो, ज्योमेट्री निकालना हो, तो कैसे करते हैं आप लोग? सबसे पहला काम क्या होता है? अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स गिनूं, ये जो लोन पेयर है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको निकालना है, उसमें दोनों चीजें काउंट करनी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में भी सब बॉन्ड्स नहीं, कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर लिख रहा हूं मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक गिनना है। यहाँ पे बताइए कितने बॉन्ड और कितने लोन पेयर आपको दिख रहे हैं? तो यहाँ पे 3 sigma + 1, यहाँ पे क्या हो गया अपना 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जिस स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है, आइडियल ज्योमेट्री, वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? मुझे पेन दो। बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसको कुछ ऐसा समझिए, ये दो जो पेन है, ये दो जो वैलेंसी है, ये तो क्या है? मेरी बोर्ड पे है। और एक जो बॉन्ड है वो कहां है? बोर्ड से पीछे। और एक जो बॉन्ड है वो कहां है? बोर्ड से आगे। यानी कि ये जो दो है, ये दोनों प्लेनर वैलेंसी जो तुम्हारी तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? और जो मेरी तरफ है इसको क्या बोलते हैं? जो मेरी तरफ जो पेन दिख रहा है, मेरी तरफ जो वैलेंसी दिख रही है, उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं बेटा? अब जब इसका थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हो आप लोग, तो इस लाइन को हम वेज लाइन या सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? और जो मेरी तरफ जो है उसको दिखाते हैं डैश लाइन से। उसका लॉजिक क्या है? जो आपकी तरफ है वो आपको बहुत अच्छे से विजिबल है, इसलिए वो कैसा दिख रहा है? प्रॉपरली विजिबल है, इसलिए उसको कैसे बताते हैं? सॉलिड लाइन से। और जो मेरी तरफ है वो आपको बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए उसको कैसे बनाते हैं? अपन डॉटेड लाइन या डैश लाइन। चलिए तो यहां पे यहां तक सही था जो आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़। इसमें एक अलग कंसेप्ट है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होता sp3 और sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन यदि एक लोन पेयर आ गया, पर पेन वापस करना पड़ेगा बेटा। देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किसी ने देखे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स देखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं क्या करता हूं, तीन बॉन्ड्स तो मुझे दिखेंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटा देता। बताइए अब ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है आप लोगों को? पिरामिडल। कैसा दिख रहा है बेटा? पिरामिडल। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? इसका आइडियल जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज 109.5 डिग्री। क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा?
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल समहाउ कम होना चाहिए था, तो बॉन्ड एंगल शुड बी लेस देन 109.5, बट यहाँ पे फंडा कुछ हो रहा है। इसका जो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो है sp2, एंड दिस इज ड्यू टू ए स्पेशल कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। कितने लोगों ने बैक बॉन्डिंग का नाम सुना है भाई? हाँ भाई, ट्वेल्थ वालों ने सुना होगा। अभी पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझो बेटा ये बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग एक तरह की बॉन्डिंग ही है, बस बैक बॉन्डिंग नाम देने का मतलब ये है भाई यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों ने इस बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। बॉन्ड बनाने के बाद भी नाइट्रोजन के पास क्या बचा? एक लोन पेयर, क्या बचा? और जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो क्या है? और बेटा जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास वैलेंट 3d ऑर्बिटल होता है कि नहीं? तो यदि इसके पास खाली ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए, अपने बॉन्ड्स को मजबूत बनाने के लिए क्या कर देगा? अपना लोन पेयर इसके वैलेंट ऑर्बिटल में लॉक क्या कर देगा? अपने लोन पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। जो आइडियल डायरेक्शन से बॉन्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए क्या बोल दिया? बैक बॉन्डिंग। क्या बोला बेटा? बैक बॉन्डिंग। अब बोलोगे सर व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बैक बॉन्डिंग, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? कि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के पास खाली ऑर्बिटल भी थे, क्या करा दोनों ने? दोस्ती रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? एक ने अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराया और एक ने लोन पेयर, और उसकी वजह से क्या हो गया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो गया? मजबूत हो गया। अच्छा, यदि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे चुका है तो क्या ये लोन पेयर बचेगा? और यदि लोन पेयर नहीं बचेगा बेटा, तो यदि इसमें सिग्मा लोन पेयर गिनो तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक दो तीन, सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड बचे, तो 3σ मीन्स sp2, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। ऐसा दिखता है ट्राइगोनल प्लेनर। मान लीजिए आप कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर ज्योमेट्री, इसको हम 2D सरफेस पे भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको? ये 120 डिग्री। बोलो फिर कौन सा आंसर सही होगा? सबको बात समझ में आई? तो बेटा अब ये तो थे क्वेश्चंस, हमने देखे क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस उस क्वेश्चन के लिए अप्रोच और हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो सही होना चाहिए। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़े। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को थोरोली आपको स्टडी करना है। और ये मान के चलिएगा एनसीईआरटी से अच्छी किताब आपको 11th 12th के लेवल पे कोई भी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ एनसीईआरटी से बोल देते हैं अपन एनसीईआरटी है, बहुत सारे स्कूल्स में आपको एनसीईआरटी के अलावा भी शायद कुछ और पढ़ाया जाता है, नो डाउट, लेकिन एनसीईआरटी जरूर आप साथ में रीड करेंगे। उसमें कंसाइज मैनर में चीजें लिखी हैं, लेकिन जितने भी काम की चीजें हैं, 11th 12th स्टैंडर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, उस बुक से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेस किसको लिया जाता है? उसी बुक को। चाहे वो आप जेई मान लीजिए, नीट मान लीजिए, जितने भी आपके ओलंपियाड्स मान लीजिए, सब में रेफरेंस बुक कौन सी है बेटा? एनसीईआरटी। तो आप लोग एनसीईआरटी को ही बेस मान के पढ़िए, और साथ में जो जो कंसेप्ट है उनको सटीकता के साथ सीखिए, तो फिर जरूर आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बेटा पसंद आया सेशन आपको? कुछ पता चला कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए, या फिर अच्छा लगा सबको? चलिए तो ऑल द बेस्ट आप सबको एक बेहतर भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए। थैंक यू।
हेलो गुड आफ्टरनून, क्या नाम मेरा? हाय हाय, नाश्ता वास्ता आपका जलेबी दोस्तों क्या होगा? जलेबी देख, आपके पास अभी जो भी बातें चलती है थोड़ा तो मैं पता एनर्जेटिक फील करो, ऐसे जो भी सेशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ से जाने के बाद आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? आप यहाँ पर अभी ऐसे बिल्कुल अगर लो एनर्जी के साथ बैठोगे तो अभी तो आपका दिमाग में से चल रहा है कभी फ्री हो कब हम घर जाए, तो फिर इस सेशन का मतलब नहीं निकले। आपके पास यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो हर चीज से रिलेटेड होगी, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आए। Either आप सेक्शन वन चूज करिए, सेक्शन टू चूज करिए, दैट इज केमिस्ट, आप इंजीनियरिंग में जाइए या फिर आपका मेडिकल जाइए या जो भी सेक्शन होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है? आप कॉमर्स भी लेते हो, मुझे नहीं आइडिया है कितने बच्चे यहाँ से नाइन्थ या टेंथ के बाद कॉमर्स फील्ड में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास जो पेपर आता है उस पेपर को कैसा डील करना है वो आपको अभी जितने भी ओलंपियाड हो रहे हैं वो सिखाता है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर है, ठीक है? अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपके पास छोटे लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने, पहली बात तो ये, ठीक है? सपोज आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है 20 क्वेश्चन से आपको मिला 60 मिनट, अब 60 मिनट में क्या आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने जाओगे? सुनो नहीं। अच्छा पहले एक बार बताओ, जब किसी चीज को करने जाते हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो नहीं करते हो? जैसे कोई मूवी देखने गए तो मूवी देखने के पहले ट्रेलर देखते हो ना, अगर पसंद नहीं आता है तो क्या जाते हो क्या, या रिव्यूज पढ़ते हो, किसी दोस्त से पूछते हो, समझ में आता है वो बोलता है कि नहीं अच्छी है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो कोई भी जब एग्जाम देने जा रहे हो तो वो तो अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितना होता है, हमारे पास अगर हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आपके पास सपोज 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन में आपके पास 60 मिनट है, अब उसमें से आपके पास अगर 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको कैलकुलेशन में उलझा दे, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है या फिर आपके पास क्या नाम से पैराग्राफ में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, तो क्या वो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपका टाइम कंज्यूम कर दे, ठीक है? तो पेपर जब आप स्टार्ट करें तो पेपर में पहले तो आप ये सेलेक्ट करिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना, वो किसके बेसिस पे कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप जितने भी ओलंपियाड आप देते हो, चाहे आपके पास केमिस्ट्री ओलंपियाड हो या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल, तो वहां पर मैक्सिमम जो कट ऑफ जाता है वो 50% के आसपास होता है। तो अब आपके पास 50% मतलब आप अगर 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में अगर परफेक्ट सोल्व कर देते हैं, कितने 10 कितना करना, तो कुल मिला के आपको 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कितना मिनट मिला, सफिशिएंट आया ना, इतना तो अच्छा कैलकुलेशन होगा ना, अरे बोलो पहले आया ना, थोड़ा लाउड ही बोलो। तो अब इस 6 मिनट में मुझे कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है, एक बात समझना, ये चीज हमेशा काम आएगी, आप चाहे हायर लेवल पे जाइए या भी जूनियर लेवल पे है, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है कि मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है। या तो आप ऐसे हो कि आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है उसको फटाफट कैलकुलेशन में उड़ा दिया, ठीक है, कैलकुलेशन हमारा बहुत ज्यादा फास्ट है तो फिर उसमें कोई सोचने की बात नहीं, ठीक है? सपोज आपके पास 100 का मार्क्स का पेपर हो रहा है, आपके 100 100 100, चाहे लेवल आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, कुछ भी हो, अब यहाँ पर आपके पास 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो इंपॉर्टेंट है कि 10 क्वेश्चन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पास अभी करंट टॉपिक्स जो भी चल रहे हैं, जैसे मैम ने पहले स्टार्टिंग में बताया कि फिजिकल जो होता है एक वेटेज उसका अच्छा खासा होता है 11th वाले पोर्शन, ठीक है? सबसे बेसिक चैप्टर होता है आपके पास कौन कौन से, जो कि 9th क्लास में आपको थोड़ा बहुत प्रिप दिया जाता है, 9th क्लास में मोल के बारे में क्या बताया जाता है, मोल इज अ क्वांटिटी, जैसे 1 डजन में कितना नंबर होता है, 12, मोल में कितना नंबर होता है, 6.022 × 10⁻³, तो ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि जब भी इतना नंबर आएगा हम उसको क्या बोल देंगे,
मोल। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मोल के, ठीक है, अभी मैं डिस्कस कराऊंगा। इसके बाद आपके पास आता है एटॉमिक। एटॉमिक में क्या आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन, वापस नाइन्थ क्लास में जो इलेवंथ के बच्चे हैं उनको भी आइडिया है कि नाइन्थ में थोड़ा बहुत एटॉमिक के बारे में पढ़ के हैं कि एटम में आपके पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ सिचुएटेड होता है, न्यूक्लियस। इसमें सारा मास कहाँ पर आएगा, न्यूक्लियस। फिर अब ये चीजें नाइन्थ वालों को भी रिलेट हो रही है, पढ़ा है ना ये तो, ठीक है, आया ना, एटम वाला पार्ट पढ़ा है, मोल वाला पार्ट पढ़ा है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो है अभी जो नहीं पढ़ा, मोल नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा। दो चीजें छोटी छोटी सी है, जैसे अगर आप सिंपल वन डजन में कितना होगा, अगर मैं टू डजन की बात करूंगा तो कितना होगा, अगर फाइव डजन की बात करूंगा तो कितना होगा। अब मैं बात, अभी मैंने क्या किया, नंबर से तुमसे क्या पूछा, डजन। अब मैं तुझे नंबर दो दूं तो उनसे डजन निकाल सकते हो क्या? सपोज मैंने 36 नंबर दिया, कितना डजन, अगर सिक्स नंबर में कितना डजन, हाफ डजन। तो वन मोल में क्या होता है, वन मोल दैट इज 6 × 10^23, कितना, 6 × 10^23, तो वो कितना हो गया, वन मोल। अब मैं उसको ऐसे नंबर में अगर बात करूं तो नंबर में आप चेंज कर सकते हो। मैंने बोला आपके पास वन मोल, इधर दिख रहा है बाकी लोगों को, तो मैंने बोला वन मोल, तो वन मोल दैट इज 6 × 10^23, कितना, 23। अब मैं यहां पर इसको 10 मोल कर दूं तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, यूनिटरी मेथड से, वन में कितना, 6, तो 10 में कितना, 10 × 6 × 10^23। अच्छा 5 में कितना, 5 × 6 × 10^23, बराबर। अच्छा ये मैंने किसमें कर दिया, मोल से रिलेटेड। अब मान लो मैं बोलूं कि आपके पास 12 × 10^23 एटम्स, तो मोल कितना, इसको डिवाइड कर दूं क्या, 6 × 10^23 से, तो मोल आ जाएगा बराबर, कितना आएगा, अरे 2, ये बेहद काम से आया ना, इसकी जगह में अगर मान लीजिए थोड़ा सा 7.2 × 10^23 डिवाइड, अभी मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप बताओ 1.2 ये गया, कट गया। चलो एक और काट के बताओ, अब तुम खुद काट के बताओ कितना हो, 0.15 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मेरे को आ गया, आजा 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 आजा, फिर मैंने क्या इसका बताओ बताओ कितना, किससे डिवाइड करें, 6 × 10^20 ये कितना, 1.5 डिवाइड बाय 6 कितना आता है, 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मोल, ठीक है, तो आधा मोल तो यहीं पर हो जाता है। 9th क्लास में पढ़ के जो पढ़ के आया, 11th वाले को थोड़ा बहुत आइडिया, यही है मोल, ठीक है। अब यही चीज आपको क्या करना है कि आपको पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। तो आप जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ चुके हो उन सिलेक्टेड टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैलकुलेशन कम है, उन क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी दो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो हर चीज के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस निकालिए, उसका कट ऑफ निकालिए, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स निकालिए, उनमें से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बुकलेट मिला होगा, आई थिंक उसका सॉफ्ट कॉपी या कुछ मिल जाएगा प्रोवाइड कराने के बाद में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में से आप एक टाइम फ्रेम के साथ, जैसे मान लीजिए एग्जाम ड्यूरेशन 3 hours है या 2 hours है जो भी है, उसमें आप कितने क्वेश्चंस घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करते टाइम पे आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो स्कूल में पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, स्कूल के साथ साथ आपने घर पे कितना प्रैक्टिस किया है, हर क्वेश्चन में कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आपको सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा। एक सैंपल पेपर के बाद आपने नोटिस करिए कि कहां पर आपने कितना टाइम यूज किया है, किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम यूज किया है, किस टॉपिक में आपने कितना टाइम लिया है, फिर
अगर आपको लगता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, सपोज मैं बात करूं 11th क्लास के बच्चों की, तो सबसे पहला चैप्टर आता है उनके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में इन 20 में से चार क्वेश्चन ये है, तो आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, यस और नो? और चारों के चारों क्या होने चाहिए? करेक्ट, ठीक है। तो चार क्वेश्चन करेक्ट हो गया, कट ऑफ कितना है आपका 50%, मतलब छह क्वेश्चन और करने। अब छह क्वेश्चन करने के लिए आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने। तो सपोज अगर पीरियोडिक, जैसे सर ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया अभी पीरियोडिक का, तो पीरियोडिक से एक क्वेश्चन आया, बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया, तो ऐसे क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए और 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करिए, हो जाएगा। फिर 4-5 सैंपल पेपर करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, बराबर। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं पहले नीचे वाला क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ऊपर वाला मैं थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन आएगा। तो नीचे वाले क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिए, क्या लिखा हुआ एक रीड करिए आप आराम से, बोलिए। आपके पास चार आइडेंटिकल क्लास ले रखे, ठीक है, चार क्लास में आपने क्या क्या फिल कर रखा है। एक में क्या, पहले क्लास में क्या, हाइड्रोजन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, H2 या H? अगर आपको ये बहुत बड़ी गलती होती है, हाइड्रोजन लूं, H लूं या H2 लूं, इवन ये 11th क्लास, इवन 13th में जो बच्चा तैयारी करता है वापस, उसको भी कई बार छोटी छोटी बेसिक चीजें मिस कर जाता है। हाइड्रोजन दैट इज नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, H2। अगर आप हाइड्रोजन एटम सोच रहे हो तो गलत, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ, हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Hg। नोबल गैस है, नोबल गैस सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किस फॉर्म में, Hg। थर्ड ऑक्सीजन किस फॉर्म में, देन फोर्थ ओजोन किस में, O3। अच्छा, आइडेंटिकल है, मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका होगा, या जो साइज इसका होगा कंटेनर वन का वही दूसरे का होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि इक्वल वॉल्यूम जब होता है, क्या इक्वल वॉल्यूम, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आया ना। तो एक बार बात बताओ, इसमें आपके पास एक इक्वेशन पढ़ा है 9th क्लास वालों ने, PV is equal to NR, sorry 11th वालों ने PV is equal to NR पढ़ा है, 9th वालों को थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? नहीं। अच्छा, मैं यहां पर जो बोल रहा हूं, एक बात समझना, इसका वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर ले लेता हूं तो इसका भी कितना होगा, 1 लीटर, इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा। तो अगर इसका 1 लीटर है और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, आया ना, इसमें नीचे वाले लाइन से तो कम से कम समझ में आ रहा है कि इक्वल वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करता हूँ किस पे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीस गैस प्रेजेंट इन द डिफरेंट क्लास वुड बी। अच्छा, हाइड्रोजन जो होगा मॉलिक्यूल और एटम, मॉलिक्यूल H2 इज अ, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, 2। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन वाले में है, इसमें 2n एटम होगा क्या, आए ना। हीलियम वाले भी कितने एटम होंगे, दैट इज n एटम। ओजोन O2 वाले भी कितना होगा, 2n एटम, और इसमें कितना होगा, 3n एटम, आए ना। तो इसको काट दें, यहां क्या बचा, आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट आपसे मॉलिक्यूल पूछता तो रेशियो क्या होता, 1:2, 1:2, एटम पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेंड करने जाओगे, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बात समझ में आई, ठीक है। अब नीचे उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कंप्लीट कंबशन, मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब क्या होता है, किसी को बर्न कर देना, आग लगा दे उस पर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखा हुआ,
C12H22O11 कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा? तो ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होगा, और हमेशा कंबशन से हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है? CO2 और H2O। अब बैलेंस कर लोगे क्या इसको? ठीक है। अच्छा नाइन्थ वाले बताओ, इधर कितने कार्बन एटम? अरे बोलो, उधर कितने? अभी कुछ नहीं लिखा, कितना? वन। अरे CO2 में कितना कार्बन है? वन है या नहीं है? और ऑक्सीजन कितना है CO2 में? बात समझ आ रही है? चलो हाइड्रोजन में बता दो, कितने हाइड्रोजन है? H2O में कितने हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन कितना? तो कार्बन यहाँ पे 12, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं क्या? कार्बन 12 हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है इधर? उधर कितना है? किससे मल्टीप्लाई करूं के बैलेंस हो जाए? गुड। तो यहाँ किससे बैलेंस किया? 11 से। तो कार्बन इधर भी कितना? 12। हाइड्रोजन कितना? कार्बन उस साइड पर भी कितना? हाइड्रोजन कितना? बराबर। कौन बचा? ऑक्सीजन इधर कितना हो रहा है? 11। उधर कितना हो रहा है? 11। उधर उस साइड में यहां से कितना आया बेटा? 24। यहां से कितना आया? जिसमें से 11 तो यहां पर यूज हो गया, यहां पर क्या लगा? 12। अब काउंट करो, बैलेंस आया ना पक्का? दोबारा देख लो, कार्बन कितना इधर, उधर कितना, हाइड्रोजन कितना, उधर कितना, ऑक्सीजन इधर 11 प्लस 24 35, उधर कितना? 35। बैलेंस है। जो यहां पर नंबर लिखा हुआ, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता? 1। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। इसका कितना? उधर कितना? नीचे इधर वाटर में 11। बराबर। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं इसको? मोल बोल दिया। तो इसके 1 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? कितना? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? यूनिटरी मेथड लगा सकते हो क्या भाई? इसके 1 मोल से कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 12। तो इसके 0.2 से कितना रिक्वायर्ड होगा? आया ना? तो कितना आया आंसर? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बन गया। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ज्यादा कुछ है इसमें मेहनत? ये 2 क्वेश्चन किसके थे? मोल। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पर। एनटीपी एसटीपी दोनों भूल जाओ। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? 11th वालों का आईडिया होगा। लाओ C3H8। तो एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इधर देखो, प्रोपेन दैट इज C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस। तो बैलेंस करके बताओ इसमें कार्बन कितना आएगा, CO2 कितना? अरे बताओ जल्दी यार, कितना? 3। वाटर कितना? 4 आया ना? अरे थोड़ा तो लाउड दे, तो बच गया। अब कौन बचा? क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा? ऑक्सीजन। तो किस पे फोकस करेंगे? उधर कितना ऑक्सीजन? 10। क्या लगा दो? 5। काम हो गया अपना। इसका कितना? इसका कितना? उधर कितना? इधर कितना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? कितना? अरे बोलो, 5। क्या दे रखा है? मोल दे रखा है, मास दे रखा है? मास दे रखा है। जैसे मैंने बोला 1 डजन में कितना नंबर? 12। 1 डजन में कितना नंबर? 12। ऐसे ही मास से भी एक फॉर्मूला बनता है। तो मास से जब फॉर्मूला होता है, तो मास आपके पास यहाँ पर मोल इज इक्वल टू होता है मास, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मास। कितना दे रखा है आपको? 44। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12 × 3 कितना हो गया? 36। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 36
प्लस एट कितना हो गया 44 बराबर आया ना कार्बन का 12 3 कार्बन का मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 36 8 हाइड्रोजन 36 प्लस 8 44 कितना मोल है 1 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड पूछा क्या अच्छा अब क्या पूछा गड़बड़ हो गया मामला क्या लिखा हुआ अच्छा ऐसे एक और फॉर्मूला बता देता हूं मोल इज इक्वल टू होता है V इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर क्या मोल इज इक्वल टू V इन लीटर डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोल वॉल्यूम निकाल लेना मोल पता चल गया कितना 5 तो V निकाल सकते हो क्या 5 इनटू आंसर आ जाएगा कितना आया 1 1 2 ऐसा ना एक फॉर्मूला ये हो गया एक फॉर्मूला ये हो गया और स्टार्टिंग में वो एक बार बताया था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6 × 10^3 तो ये तीनों फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा क्या मोल का अभी तीनों के अलावा कुछ काम लिया आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन बराबर और कोई क्वेश्चन है अच्छा एक ऊपर वाला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर ठीक है नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आपको दे क्या रखा है थोड़ा सोचो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वॉल्यूम और मास वॉल्यूम और मास दे रखा है तो यहां से क्या निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से मोल निकाल सकते हो क्या किसको डिवाइड करोगे 1/22 वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड होगा मास से क्या होगा ऐसा तो नहीं करोगे ना यहाँ वॉल्यूम रख दोगे उधर मास रख दोगे सेम क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना है सेम क्वांटिटी से इसको रफ कर दो तो अभी देखो उधर कितना दे रखा है आपको तो वहां से मोल निकाल लेके क्वेश्चन नंबर 5 से 1 डिवाइड बाय क्या कर दो आया ना 1 लीटर गैस दे रखा है अब यहां से आप उसका मोलर मास निकाल सकते हो क्या मोलर मास इज इक्वल टू मोल इनटू गिवन मास सॉरी गिवन मास अपॉन मोल गिवन मास अपॉन डिवाइड बाय ठीक है गिवन मास कितना 1.25 डिवाइड बाय क्या कर दूं मोल कितना ऊपर चला जाएगा 1.25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 22.4 आंसर आ जाएगा क्या मोलर मास आ जाएगा यहां अब मोलर मास आपके पास वहां पर क्या दे रखा है गैसेस दे रखा है तो गैसेस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो कार्बन कितने पहले वाले ऑप्शन में दो कार्बन का मास कितना हुआ कितना हाइड्रोजन है टोटल मास कितना हुआ 26 सेकंड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है कितना 12 प्लस कितना हुआ 20 थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड इनटू 2 कितना हुआ 32 नेक्स्ट ऑप्शन में 16 तो अब यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 28 कितना आंसर विल बी सेकेंड कार्बन का कितना 12 ऑक्सीजन का कितना 16 कितना हुआ इधर कितना आ रहा है हो गया ऑप्शन 2 कोई दिक्कत इसमें तो इस तरह के आपके मोल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बाकी और भी क्वेश्चन है ऐसे अच्छा अब एक क्वेश्चन है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको 9th क्लास में भी बताया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया 11th वालों ने पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भरते हो कि आपके पास जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाए ठीक है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्या दे रखा है आपका द पेलिंग 4d ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन विल एंटर एन कौन सा बताओ बताओ कौन सा जाएगा 4p 4s 5p 4s 5p अच्छा इसमें एक तुमको वो बना के दिखाया गया होगा बिल्डिंग बना के दिखाई गई होगी हां जिसमें आपने वो क्लोज ऐसे लाइंस ड्रॉ करी होगी करिए 9th क्लास वालों ने भी पे क्वेश्चन हो गया ये समझा हो जाएगा अब मान लो ये क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो ना अटेम्प्ट तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करना है सेलेक्ट आप समझ रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज बेसिकली कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो
बच्चे सारे कर रहे आते हैं, बस जो स्मार्ट वर्क कर जाता है वो सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज जितनी अच्छी है उतनी नॉलेज उनकी भी अच्छी है, बस आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करते हो और सामने वाला बच्चा किस तरह से स्मार्ट वर्क करता है। पेपर सबको सेम मिल रहा है, क्लास तुम्हारी सेम है, टॉपिक भी सबको सेम को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत वहां पर आती है आप कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जैसे आगे निकाले। अच्छा, अब ये जो है वो 12th का क्वेश्चन है, एक बार आगे ले लीजिए इसको बात। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन 11th वालों की बात करते हैं, किसका टॉपिक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मजा आ रहा है इसमें? क्या लिखा हुआ? मास 33 ग्राम और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 200 मीटर पर सेकंड, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोक का? माइनस 34, m is equal to कितना रखूं? 30 और 200, क्या सही है? पक्का आया ना? तो मास किसमें आएगा? किलोग्राम किसमें दे रखा है यहाँ पे? अब ये गलती भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दूं क्या? 10^-3 लगा दो या 0.0 लिख दो, ठीक है। यूनिट का हमेशा ध्यान दे, आपको फॉर्मूला कितना ही बेसिक हो, क्वेश्चन में सिंपल फॉर्मूला यूज करना था। आपके अगर स्पीड अच्छी है, स्पीड बहुत ज्यादा ले रखी है आपने, और फॉर्मूले में छोटी सी कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है, इसको अगर आप ग्राम में ले लोगे तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन पहला ही ऐसा हो जो नेगेटिव कैलकुलेशन से बैठ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल, पर उसने एक छोटी सी गड़बड़ कर रखा है कि मास किसमें दे रखा है? ग्राम। अब मान लो कि तुम स्पीड में हो, अच्छी खासी स्पीड चल रही है, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको कैसे ले लिया? एज इट इज ग्राम में, तो तुम्हारा आंसर जो ग्राम में आ रहा होगा, एग्जामिनर जानबूझ के पहला ही ऑप्शन वो देगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? पहले ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाओगे और तुम्हारा माइनस वन हो गया। फिर तो यहाँ पर मास किसमें लेना है? अब ये दे रखा है आपको, ये थोड़ा सा बेसिक चीज है, बिल्कुल ही बेसिक आपके पास। आइडियल केस इज इंसुलेटेड चैंबर इज रिलेटेड टू द सेल स्पेस, द स्टेटमेंट ऑफ द नियर इलेक्ट्रो फोर्स प्रोसेस। एक थर्मो का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का है, सही है। अच्छा, इसको 9th क्लास वाले भी बता सकते हैं, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है? थर्मस क्या होता है? थर्मस क्या होता है? अरे थर्मस बताओ, थर्मस नॉर्मल थर्मस क्या होता है? जिसमें पानी अंदर क्या रहता है? ठंडा लोगे तो गर्मी क्यों बोलो? चलो थोड़ी गर्मी बोलो, क्या हो सकता है? जो जैसा लोगे वैसा ही रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहता। तो एक बार बताओ, टेम्परेचर मेंटेन कब रहेगा? जब आपके पास ना तो बाहर से कोई हीट अंदर जा रही होगी, ना अंदर से हीट, तो हीट एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। सिस्टम कौन हुआ? थर्मस के अंदर जो रखा हुआ वो क्या हुआ? सिस्टम। और बाहर क्या हो गया? और जो वो बीच में जो लेयर बनी हुई है उसको क्या बोल देते हैं? बाउंड्री। क्या बोल देते हैं उसको? बाउंड्री। तो तीन पार्ट हुआ, अंदर थर्मस के अंदर वाला पार्ट कौन सा? सिस्टम। बाहर जो आपके पास एल्यूमिनियम या जो भी मेटल का लगा हुआ है उसको क्या बोल देंगे? बाउंड्री। और बाउंड्री के बाद जितनी भी दुनिया उसको क्या बोल दोगे? और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बन जाता है? यूनिवर्स। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। क्या बन जाता है? यूनिवर्स, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने पहला तो बता चुका हूं कि आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो Q is equal to क्या होगा? जीरो। कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q is equal to जीरो दे रखा? फर्स्ट और तो दो ऑप्शन तो अटके, बचा क्या? अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा? यहाँ पर वर्क डन की बात हो रही है, तो स्पेस में जाते हो तो वहां पर वैक्यूम
वैक्यूम कंसिडर करते हो या गैसेस कंसिडर करते हो? तो वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्या होता है? वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है? जीरो। ठीक है, वो हवा हवा में उड़ते रहते ना, वो कुछ होता है क्या? तो वहां पे वर्क डन कितना होगा? तो डब्ल्यू किस में जीरो आ रहा है? आंसर क्या हो गया? बाकी इक्वेशन याद होने की जरूरत, ठीक है? इक्वेशन होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, डेल्टा ई की जगह यहाँ पर यू भी कर सकते, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब दो पार्ट जीरो, तो तीसरा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बराबर। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लीजिए ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे फिजिकल के क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप टिक कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 12th वाले क्वेश्चन में वेटेज ज्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक में अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो ठीक है। यहाँ पर आपको ओनली फॉर्मुलाज लर्न करना है, जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली अच्छे से करेगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आगे निकालो। अच्छा, इसको भी मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्या लिखा हुआ? इक्वेशन क्या है? A2 plus 4B2 gives क्या? 2AB। अच्छा, सबके नीचे क्या लिखा हुआ? गैस, ठीक है? अच्छा, इधर कितने मोल रिएक्ट कर? अरे इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर कितने मोल? A के कितना मोल है? B का कितना मोल? टोटल कितना मोल? बोलो जल्दी, 5 आए ना? A का AB के कितने मोल? 2। अच्छा, गैसियस के मोल पहले कितने थे, अब कितने हो गए? तो गैसेस को कंप्रेस करोगे तो मोल कम होगा या ज्यादा होगा? आया ना? अरे एक बार बताओ, गैसेस को कंप्रेस करोगे तो मोल क्या होनी चाहिए? कम। तो इसको अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, कहां पे? फॉरवर्ड। उसने क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? प्रोडक्ट कौन है? 2AB। तो कहां जाने की बात कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेशर मुझे क्या करना होगा, कम या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि इधर कितने मोल है? 2। इधर कितने मोल है? 2। इधर कितने मोल है? 5। तो 5 से कहां की तरफ जाना है? तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा? आया ना? ऑप्शन देखो, एंडी। दो ऑप्शन उड़ गए, अब किसके बाद रहे? टेम्परेचर। डेल्टा एच क्या दे रखा है यहाँ पे? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। क्या होता है उसका मतलब? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी, आया ना? अब एक बार बताओ, मुझे जाना किस तरफ? फॉरवर्ड। और ये है हीट एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज। तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके पास अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस हीट एनर्जी को कौन यूज कर लेगा? ओ नहीं समझ आ रहा है ना? चलो बताओ, रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए मुझे फॉरवर्ड जाने के लिए? कम क्यों करना चाहिए? ऑप्शन में दे रखा है इसलिए। अच्छा, बात समझ आएगा, क्या करना चाहिए? कम। कम क्यों करोगे? क्योंकि एक बार देखो बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। अगर उसको हीट करोगे तो उस हीट को कौन यूज कर लेगा? प्रोडक्ट। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस? रिएक्टेंट। तो एक बार बताओ ना, तुम्हारे पास किस हीट एनर्जी को कौन यूज कर रहा है? प्रोडक्ट। अगर तुम ज्यादा हीट दोगे तो प्रोडक्ट यूज करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा?
डिक्लेयर, ऑप्शन कौन सा बन रहा है? तो आपको फॉरवर्ड जाने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर रहेगा, तो दिक्कत, ठीक है। तो इसी तरह के आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे पेपर में जहां पर आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा, पर अगर कुछ कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है तो पहले इजी क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास जो सफिशिएंट टाइम होता है उस टाइम में आप कैलकुलेटिव वाले पार्ट अटेंड करते हैं, ठीक है। और कोई कुछ भी डाउट है तो पूछिए, पूछिए, जितने ओलंपियाड दोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतने ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने से एक्सपीरियंस मिलेगा, किस तरह से आप टाइम बाउंड फ्रेम में क्वेश्चंस अटेंड करो, क्योंकि आपके पास जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी ओलंपियाड्स हैं, ये आपको फ्यूचर में अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आएंगे जो नेशनल लेवल के, जैसे आप आइदर नीट में अपियर हुई है, जेई एडवांस में, या फिर स्टेट वेट, जो भी आपको करना, ठीक है, सीए के लिए करना है, जो भी आपका मन है, हर किसी के लिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उनकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट आपके पास इतने सारे ओलंपियाड करवाती है, नेशनल और इंटरनेशनल, तो इनके प्रेपरेशन करके आप फ्यूचर के लिए भी बहुत एडवांटेज ले सकते हैं, वहां पर आपको बहुत बेनिफिट है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? हेल्पफुल है आपका? थैंक यू। हेलो, आई थिंक काफी समझ में आया होगा और काफी टाइम भी हो गया है। आई थिंक इतना तो कभी नहीं बैठा होगा ना, कभी कोई क्लास में नहीं बैठे, कभी भी आज पहली बार बैठे क्लास में, इससे भी ज्यादा बैठे। चलो, तो इतना आपको इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग ओलंपियाड्स, नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज स्टेट के भी काफी सारे ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं। ओलंपियाड एग्जाम्स का मीनिंग ये होता है कि आप जो अपना करियर गोल बनाने वाले हो उसके लिए पहले बेसिक स्टेज, जैसे सपोज आप कहीं पर भी जाना चाहते हो, कॉमर्स लेना है, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में करना है, बायो लेना है, लेकिन उसके पहले आप अपने साथ वाले बच्चों के साथ, अभी तो आप गुजरात में अहमदाबाद में हो, अहमदाबाद में हो सकता है 100 स्कूल्स हो, फिर पूरे अगर गुजरात में देखें तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, फिर ऑल इंडिया देखते हैं तो और भी ज्यादा स्कूल्स होती है, तो हम सारे बच्चों के साथ ऐसा कौन सा एग्जाम दें ताकि हम सारे बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें। अभी तो आप क्या कर रहे हो, अपनी स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, अब एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन कर सकती है, लेकिन ऑल इंडिया एक साथ इन ओलंपियाड एग्जाम्स के थ्रू ही कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, क्लियर। अभी जैसे आपका 10th क्लास में हो, फिर आप 11th क्लास में भी आओगे, 12th क्लास में भी आओगे, 12th में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने, तो आपके सेम एज ग्रुप वाले बच्चे ही 12th में आने वाले हैं और वो ही सेम एग्जाम देने वाले हैं, तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, देन यू विल हैव 2 years, आप अपने आप को सुधार सकते हो, आप में जो भी रैंक आया आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को आने वाले 2 सालों के लिए, सही बात है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड सर यहाँ पर है 15-20 मिनट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग केमिस्ट्री देन यू कैन आस्क, राइट। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, पूरे टीम के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियां कर देंगे। मैडम भी बैठे, बहुत अच्छा मैडम ने प्रेजेंटेशन किया,
कितने स्टेज होते हैं, कैसे आगे जाना है, उनका इवेल्युएशन कैसे होता है, सब आपको अच्छी तरह से बताया। कुछ आप यूट्यूब में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेगा। आईएपीटी का वेबसाइट, आईएपीटी के बारे में सुना है मैडम ने बताया अभी, तो आईएपीटी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का अलग होता है। जैसे सुबह में बताए प्रजापति साहब, तो उनका भी नंबर सब लोगों ने रखा होगा, आप उनको भी बात कर सकते हैं, तो मिल के भी उनका ये कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि कोई किसी को कुछ क्वेरी होगा, है कि नहीं, कि घूमने जाएगा मन है अभी, ठीक है। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, एंड होप टुडे वी ऑल टुगेदर हियर एट 10 AM शार्प, ओके, बिकॉज वी हैव अ 10:15 वी हैव अ क्लास ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो सर की टीम में से कोई आने वाला है, ठीक है, नहीं परसों फिजिक्स है, शायद वो पुराना वाला शेड्यूल सर ने शायद टुमारो वी हैव अ टू सेशन, फर्स्ट हाफ वी हैव अ बायोलॉजी ओलंपियड एंड सेकंड एस्ट्रोनॉमी, ओके, एंड एंड सेवन फर्स्ट हाफ में अपना है फिजिक्स का, एंड सेकंड हाफ फॉर 8 and 9 स्टूडेंट्स जूनियर साइंस ओलंपियड, ओके। तो उसमें भी आपके कोई छोटे भाई बहन है, कोई है आपका कलीग है, तो उनको भी बता दीजिए, ठीक है, सेवन के लिए। और अभी हम लोग एक काम करेंगे, पूरा आपका जो बैग है यहाँ पे रख दो, ठीक है, और आप सब लोग जाएंगे एक्वेटिक गैलरी, जल्दी से खत्म करके देखो अभी कितने बजे, ओके, तो 5 बजे आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आना है, सुनो आराम से सुनो, यहाँ पे आना है, यहाँ से आपका किट बैग ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पे जो बुक्स रखा हुआ है सबको ले लेना है, ठीक है, बैग यहाँ पे रख, सिर्फ पानी का बॉटल ले जाना है तो ले जा सकते हो, अगर नहीं ले जाना है तो वहाँ पानी की सुविधा भी रखी होगी, ठीक है, गैलरी में। तो आराम से एक साथ में जाएंगे, कोई अलग नहीं जाएगा, आप फॉलो करोगे राहुल, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।